और आज की जो ये हमारी क्लास है, ये क्लास NTA UGC नेट सोशल वर्क से संबंधित है। आप भलीभांति तरीके से इससे परिचित हैं सभी लोग। और यदि मैं आप लोगों से बात करूं यहाँ पे समाज कार्य में NTA UGC नेट जो 2022 में एग्ज़ाम होने वाला है उसके संबंध में यूनिट नंबर फर्स्ट पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को भलीभांति तरीके से पता है कि यूनिट नंबर फर्स्ट में मैं आप लोगों को समाज कार्य की परिभाषा, विषय क्षेत्र, सिद्धांत, प्रकृति, लक्ष्य और प्रक्रिया के बारे में बात कर चुका हूँ। वहीं विश्व में अगर हम बात करें तो यूके, यूएसके और यूएसए और भारत के जो व्यवसाय समाज कार्य का विकास है इस पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। समाज सुधार और व्यवसायिक समाज कार्य के अगर बारे में चर्चा करें तो हमने इस पर भी चर्चा कर चुके हैं हम लोग। और क्या मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि भारत में समाज कार्य का व्यवसाय का रूप में किस तरीके से उसका मूल्य परक और मान्यताएँ जो है सक्षमताएँ और आचार संहिता के बारे में, हर्बर्ट बिश्नो के बारे में मैंने आपको बात किया था, तो ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो चुका है। हर्बर्ट बिश्नो के बारे में थ्योरीज रह गई हैं, कुछ सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों पर हम जिक्र करेंगे। शायद ये नहीं हुआ है, याद है किसी को, कोई है क्लास में जो सभी क्लास को लिया हो, बताएं। थ्योरीज शायद नहीं हुई है, नहीं थ्योरीज नहीं हुआ है। और समाज कार्य के अभ्यास का, समाज कार्य अभ्यास का बदलता हुआ प्रसंग जहाँ पे नवीन दृष्टिकोण और प्रवृत्ति चुनौतियाँ रह गई हैं और विविध परिवेश में समाज कार्य का अभ्यास रह गया है, ये तीन टॉपिक रह गई हैं। इन पे हम लोग चर्चा करते रहेंगे और आप लोगों की इस वीडियो का लिंक और PDF आपको प्रोवाइड किया जाएगा ग्रुप में। बात करते हैं जैसे मानसिक संघर्ष के बारे में, ये मैंने आप लोगों को बताया था। सर मेरा कुछ डाउट है तो वैसे क्लियर। हाँ बताइए बताइए, डाउट क्या है आपका मैडम? जो बिजनेस अधिनियम है वो कब आया था? कौन सा अधिनियम? बिजनेस, नहीं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, अधिनियम बिजनेस जो अधिनियम था सर, एक्ट कब आया था? सिजनर्स अधिनियम, कोई प्रिजनर बोल रही है सर, कैदी। अच्छा अच्छा जेल अधिनियम, हाँ हाँ, तो आप इस तरीके से बोलिए ना कि भाई जे, कोई बताना चाहेगा मुझे, मैंने एक PDF प्रोवाइड किया है आप सभी लोगों को, जेल अधिनियम आपको, प्रिजनर वही जेल, प्रिजन मतलब जेल ही होता है, कारागार अधिनियम होता है ना, हाँ कारागार अधिनियम होता है 1894 का। और सर जो हाउस है, क्या सेटलमेंट हाउस मूवमेंट अलग होता है, सेटलमेंट हाउस अलग होता है क्या? सेटलमेंट हाउस मूवमेंट और व्यवस्थापन गृह आंदोलन ये बात एक ही होती है, ठीक है, बंदोबस्त आंदोलन बात एक ही है। तो इसमें 1884 बता रहा सर इसकी डेट? नहीं नहीं, 1884 में किस, कौन कौन सी बुकों से आप देखिए, आपको अगर इग्नू की बुक से आपको किसमें क्वेश्चन पेपर, हाँ दो हजार 2016 क्वेश्चन, एक बार उसका आप फोटो खींचिएगा और मुझे ग्रुप में डालिएगा, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को भी हम जो है क्लियर कर देंगे, ठीक है। 2016 का क्वेश्चन मैं करवाऊंगा ही आप लोगों को, तो वहाँ पर आपको स्पष्टीकरण कर दूंगा कि कैसे वहाँ से आ गया जो है 84, ठीक है, वो भी बता दूंगा आपको, आप उससे निश्चिंत रहें। बाकी आप उसका क्वेश्चन को आप मुझे जरा एक बार फोटो क्लिक करके आप भेजिए जरा ग्रुप में, ठीक है ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं, देखिए हम चर्चा किस टॉपिक पर कर रहे थे, मैं बात कर रहा था मानसिक संघर्ष पर, है ना, क्लियर हो गया मैडम आपके डाउट? बताइए। हेलो, थ्योरीज जो हम लोग पढ़े थे अल्बर्ट बंडूरा का, ये सब वही तो थ्योरीज है क्या सर? उसी से रिलेटेड थ्योरी है, लेकिन समाज कार्य की कुछ अलग थ्योरीज में, वो लर्निंग थ्योरीज थी, मैं यहाँ पे कुछ अलग थ्योरीज भी चर्चा करूँगा, हालांकि वही थ्योरीज आएंगी, वो लर्निंग थ्योरीज कुछ अलग अलग थ्योरीज भी देखने को हमें मिलेगी, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत थ्योरीज मिलेंगी, हालांकि वही थ्योरीज हैं, थ्योरीज वही हैं, थ्योरीज वही रहेंगी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, देखिए भाई आप लोग तो बोलते भी नहीं हो यार, है ना, तो यहाँ पे अगर मैं शुरुआत करूँ, देखिए ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मानसिक संघर्ष, यहाँ से प्रश्न एक बार पूछा गया था और आप सभी लोग भलीभांति तरीके से परिचित होंगे कि हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें एक ऐसी स्थिति आती है कि जब व्यक्ति को मानसिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है, और मानसिक संघर्ष एक ऐसी स्थिति होती है जब दो इच्छाएं विचार एक दूसरे के विरुद्ध काम करते हैं, और ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति
जल्दी या निर्णय नहीं ले पाता है और यह कुछ समय तक अनिर्णायक की स्थिति में होता है, तो हम उसे कहते हैं मानसिक संघर्ष। शायद आप समझ नहीं पाए होंगे, एक उदाहरण देता हूँ, उदाहरण से समझिएगा अच्छे से आप सभी लोग। एक मिनट मैं आपसे, एक मिनट थोड़ा सा, अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, मैंने स्टार्ट कर दिया रिकॉर्डिंग। तो मानसिक संघर्ष के बारे में अगर हम बात करें, तो मैं आपसे एक उदाहरण दे रहा था कि मान लीजिए अगर आपको कहीं जाना है तो आपके मन में ये विचार आता है कि हम बस से जाएं या अपनी बाइक से जाएं, तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक बस से जाना और एक बाइक से जाना। आप यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि आप किस पर जाएं, तो इस किससे आप जाएं उस प्लेस पे, उस जगह पर। यही जो प्रक्रिया आपके मन में चल रही है, इसी को कहेंगे मानसिक संघर्ष। क्लियर हुआ इतनी बात? तो यहां पे देखिए, मानसिक संघर्ष को मानसिक द्वंद के नाम से भी पुकारा जाता है, और यह संघर्ष पूर्ण रूप से मानसिक होता है। और व्यक्ति जब किसी निश्चित उद्देश्य का चुनाव नहीं कर हो लेता या मानसिक या विकारों का संघर्ष समाप्त नहीं होता, तो मानसिक संघर्ष विरोधी भावनाओं के कारण उत्पन्न होता है। जैसे अगर हम क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग अगर बात करें, मानसिक द्वंद या संघर्ष उस समय उत्पन्न होते हैं जब एक व्यक्ति को पर्यावरण की उन शक्तियों का सामना करना पड़ता है जब उसकी स्वयं की रुचि और इच्छाओं के विपरीत कार्य करती है। बात वही है, कुछ अलग नहीं था जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, वही चीज़ें हैं जहाँ पर बताया जा रहा है कि जब व्यक्ति को मानसिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है, तो मानसिक संघर्ष एक ऐसी स्थिति होती है जब दो इच्छाओं और विचारों एक दूसरे के विरुद्ध काम करती है, वो मानसिक संघर्ष होता है। इतनी बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो बोरिंग और लैंगफील्ड और वेल्ड की परिभाषा दी गई कि मानसिक संघर्ष की क्रियाओं की दशा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिनमें दो या दो से अधिक सामान्य व्यवहार उत्पन्न होते हैं, जिन्हें एक ही समय में संतुष्ट या प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये हालांकि एक परिभाषा बताई गई थी वेल्ड महोदय के अकॉर्डिंग, इसको बोलते हैं मानसिक संघर्ष। अब मानसिक संघर्ष के अंतर्गत कई टाइप आते हैं, यहीं से प्रश्न बनाए गए थे। ध्यान दीजिएगा, यदि व्यक्ति अपने को दो धनात्मक कर्षण शक्तियों के बीच पा सकता है, अथवा दो ऋणात्मक कर्षण शक्तियों के बीच, अथवा धनात्मक और ऋणात्मक कर्षण शक्तियों के बीच संघर्ष की नींव या पर्यावरण के बीच अननोन क्रिया के रूप में समझना चाहिए। और इसको कर्ट जीवन ने अपने सिद्धांत फील्ड थ्योरी के द्वारा विकसित किया था, हालांकि कर्ट लिविंग इसका नाम है, कर्ट लेविन ने अपने सिद्धांत में, फील्ड थ्योरी में, इन्होंने ये विकसित किया था मानसिक संघर्ष को तीन स्थितियां बताई थी। हालांकि चार, कहीं कहीं चार स्थिति भी मिल जाती है हमें, कहीं कहीं हमें चार स्थिति भी देखने को मिल जाती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई है, तो जरा एक बार मुझे बताएं। ये यूनिट नंबर फर्स्ट का नहीं, ये टोटली समाज कार्य का ही है ना। तो यहाँ पे मैं आपसे नहीं बताऊंगा कि भाई ये यूनिट किसकी यूनिट का है, लेकिन मानसिक संघर्ष से एक बार प्रश्न पूछा गया था तो मैं आपको बता दिया हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मानसिक संघर्ष क्या होता है, इसको आप सभी लोग जो है ध्यान रखिएगा, ये कर्ट लेविन के द्वारा दिया गया था। तो एक टाइप इन्होंने बताया था अपने सिद्धांत में, उपागम का सिद्धांत, कहीं अप्रोच कंफ्लिक्ट कहा जाता है इसको, कहीं परिहार मानसिक सिद्धांत कहा जाता है। वो ध्यान रखिएगा, परिहार मतलब अवॉइडेंस, ठीक है, कन्फ्लिक्ट बोला जाता है इसको, तो इसलिए परिहार मानसिक संघर्ष कहा जाता है। और एक था उपागम परिहार संघर्ष, इसको कहा जाता है अप्रोच और अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट बोला जाता है। और एक चौथे नंबर पे आता है, कहीं कहीं चार मिल जाता भी है, इसको द्व उपागम बोला जाता है, द्व उपागम परिहार संघर्ष बोला जाता है। और इंग्लिश में इसको कहा जाता है डबल अप्रोच और अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। तो ये चार टाइप के होते हैं, और ये हालांकि उस जो थ्योरीज थी उसमें तीन ही टाइप से आया था, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इन्होंने जो है डिवाइड करके बताया भी है। तो हम एक एक करके देखेंगे, यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है, उपागम का जो है संघर्ष क्या होता है, जब प्रश्न आएगा तो आप लोगों से ही मैं करवाऊंगा। पहले तो एक चीज़ इसको समझ लीजिए, यहाँ पर
कि उपागम उपागम का सिद्धांत संघर्ष जो है वो है क्या। ध्यान दीजिएगा कि एक ऐसी स्थिति होती है इसमें कि व्यक्ति के सामने दो धनात्मक लक्ष्य होते हैं। कितने होते हैं? दो धनात्मक लक्ष्य होते हैं। बात को समझिएगा आप सभी लोग। और दो यदि दोनों धनात्मक लक्ष्य को एक ही समय के अंदर पूरा करना चाहता है लेकिन ऐसा वह कर नहीं पाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर उसे एक काम को त्यागना पड़ता है। एक काम को त्यागना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा कौन से काम को त्यागना पड़ता है। तो इसके लिए उसे संघर्ष करना पड़ता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि एक महिला को सुबह 9 बजे सहेली की शादी के अंदर जाना है और सुबह 9 बजे ही माँ के साथ शॉपिंग करने भी जाना है और दोनों उस महिला के लिए इम्पोर्टेंट है तो वह इन अब ये दोनों काम तो एक साथ तो कर नहीं सकती तो वह इन दोनों कामों को ही करना चाहती है। इस वजह के अंदर अगर हम बात करें इस वजह से उसके अंदर एक मानसिक संघर्ष होने लगता है। आपको मैं बताऊँ शादी का मैटर ले लेता हूँ। जैसे आप लोगों के घर में शादी का कार्ड आता होगा और कभी कभी एक ही दिन में 2-3 शादियाँ हो जाती पड़ जाती हैं। आपके घर में ऐसा आपके साथ गुजरा होगा भी ऐसी स्थिति पर तो आप सोचने लगते हैं कि भाई पहले किसकी शादी में जाए और जाना आपको दोनों शादी में है। तो ऐसी कंडीशन पे ये उपागम उपागम जो है उपागम उपागम का संघर्ष कहता है। इस चीज़ को ध्यान रखिए यहाँ पे दो धनात्मक लक्ष्य होंगे। ठीक है, दो धनात्मक लक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। चलिए देखिए जरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। उपागम उपागम संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब दो ऐसे धनात्मक लक्ष्यों में संघर्ष होता है जो एक ही समय में समान रूप से व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। उदाहरण के तौर पर दिया है कि किसी व्यक्ति को अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र दोनों विषय प्रथम प्रिय है, दोनों विषय इसको प्रिय है। देखिए शायद कोई ज्वाइन हो रहा है। तो यहां पे अगर हम बात करें, एक मिनट इनको ज्वाइन कर लेता हूं। तो यहां पे अगर हम बात करें अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र दोनों से पसंद है लेकिन दोनों के घंटे एक ही साथ हैं अतः एक को त्यागना पड़ेगा। यह त्यागना और स्वीकार करना निश्चित करना ही मानसिक संघर्ष कहलाएगा। मैंने एक एग्जांपल बताया था अभी आप लोगों से कि अगर आपके घर में शादी का कार्ड आता है और उस दिन दो शादी तो वहां पर आपको जाना दोनों में है लेकिन उस समय आप एक ही में चले जाते हैं तो एक को त्यागते हैं। समय तो आपके पास एक ही है, दो समय तो है नहीं। तो उस समय जो उस समय की बात मैं कर रहा हूँ उस समय की स्थिति क्या कहलाती है? उपागम उपागम मानसिक संघर्ष कहलाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर उपागम और यहाँ पर भी देखिए एक और एग्जांपल दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक गधा दो घास के ढेरों के बीच खड़ा रहा है और भूख से मर गया क्योंकि वह यह निश्चित नहीं कर सका कि घास के किस ढेर को खाना प्रारंभ करे। तो ये भी एक एग्जाम्पल का वो है जिसकी वजह से ऐसी स्थितियाँ भी गुजर जाती हैं। तो ये एग्जाम्पल था आपके सामने। अगर हम बात करें एक देखिए परिहार परिहार मानसिक संघर्ष को लेकर। ठीक है, अब ये क्या होता है इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ दो नेगेटिव विचार आएंगे, वहाँ पे दो धनात्मक थे तो यहाँ पे दो नेगेटिव आएंगे। ध्यान रखिएगा सभी लोग, आप दो नेगेटिव आएंगे आपके सामने और जब दो नेगेटिव विचार की वजह से व्यक्ति के दिमाग के अंदर दो विपरीत निगेटिव विचार होते हैं और व्यक्ति को इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है। जैसे एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई है, व्यक्ति दोनों के अंदर ही नहीं गिरना चाहता है लेकिन उसे इनमें से किसी एक का चुनाव तो करना ही पड़ेगा। ऐसी कंडीशन को परिहार परिहार संघर्ष कहलाता है। देखिए जरा क्या है, एक इस प्रकार से संघर्ष में दो ऋणात्मक संघर्ष व्यक्ति के समक्ष होते हैं। यदि व्यक्ति पढ़ने में परिश्रम नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा और यहां पर छात्र दोनों ही परिस्थितियों में बचना चाहता है अतः यह संघर्ष की अवस्था में पहुंच जाता है कि इनमें से व्यक्ति परिस्थिति के साथ संघर्ष और अनिश्चित कर व्यवहार करने लगता है। जैसे कोई सिपाही ना युद्ध में मरता है और ना ही वह नकारा साबित होना चाहता है। कहने का मतलब एक सिपाही है, ना ही वह युद्ध में जाना चाहता है और ना ही वो
नकारा साबित भी होना चाहता है। कायर, एक प्रकार से कायर शब्द आप कह सकते हो, वो कायर शब्द से भी संबोधित नहीं होना चाहता है और युद्ध में भी नहीं जाना चाहता है वो। ऐसी कंडीशन कहाँ आ रही है? परिहार परिहार में आ रहा है। वही है कि भाई पढ़ना नहीं चाहता है और पास भी होना चाहता है वो, है ना। ऐसी कंडीशन पे प्रक्रिया हमें जब देखती है, परिहार परिहार उपागम कहलाती है। समझ में आ रहा है? सर, मतलब उपागम में ये हुआ ना कि दोनों करना चाहता है पर एक कर सकता है और इसमें दोनों भी नहीं करना चाहता फिर भी एक कर सकता है। देखिए पहले वाले उपागम, उपागम में क्या था कि वहां पर जो कंडीशन बन रही थी त्यागने की बन रही थी। यहाँ त्यागने की बात नहीं बन रही है, यहाँ पर वो व्यक्ति अपने आप को खुद बचाना चाह रहा है दोनों कामों से। एक प्रकार से नहीं बोलते, जैसे साधारण शब्दों में बोलते कामचोर टाइप का, ना ही काम करना चाहता है और अपना नाम भी कमाना चाहता है ना। तो इस तरीके की बात परिहार परिहार में आती है, ठीक है। एक आता है उपागम और परिहार संघर्ष। अब यहाँ पे देखिए, इस मानसिक संघर्ष के अंदर एक तो उपागम का मतलब क्या था? पॉजिटिव। और परिहार का मतलब क्या था? निगेटिव। तो इस मानसिक संघर्ष के अंदर धनात्मक विचार होता है और दूसरी ओर निगेटिव विचार भी होता है। दोनों दूसरे के विरोधी होते हैं। इन दोनों में से कोई एक व्यक्ति चुनना होता है, एक व्यक्ति को चुनना होता है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए कि एक व्यक्ति एक लड़की को पाना भी चाहता है लेकिन दूसरे मन से उससे दूर भी रहना चाहता है। यहां पर एक धनात्मक लक्ष्य है और एक दूसरा जो है आपका निगेटिव लक्ष्य है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? हाँ। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं, यहां पे जरा देखिए, जब एक ही समय में व्यक्ति किसी को चाहता भी है और उससे घृणा भी करता है तो वह उपागम परिहार संघर्ष होता है। इस प्रकार से उसमें आंतरिक तनाव उत्पन्न होते हैं। जैसे में कोई बालक फुटबॉल भी खेलना चाहता है और चाहता है कि चोट भी ना लगे। बात समझ रहे हैं आप? वह बालक फुटबॉल भी खेलना चाहता है, ये पॉजिटिव चीज़ें बन रही है, और चोट भी ना लगे ये निगेटिव प्रतिक्रिया बन रही है। तो जाहिर सी बात है अगर आप कोई भी गेम खेलेंगे थोड़ी बहुत चोट तो लगेगी ही लगेगी। एक एग्जाम्पल है ये। उसी तरीके से था कि एक व्यक्ति के अगर मन में एक लड़की को पाना चाहता है लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसके मन में ये भी आ रहा है कि उस लड़की से दूर भी रहना चाहता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर एक धनात्मक लक्ष्य भी है, एक नकारात्मक लक्ष्य भी है। हाँ, क्या करे वो? हाँ हाँ, बस 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 यही चीज है, यही चीज है यहाँ पे, ठीक है ना। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो इस तरीके का मुहावरा जो है यहाँ पर बैठता भी ऐसे, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए जरा, संघर्षों के प्रकार को भली भांत तरीके से या प्रकार से समझने के लिए डॉक्टर जे डी शर्मा ने विभिन्न चित्रों को दर्शाया। अब ये देखिए, जो चित्र का अगर आता है एग्जाम में आप लोगों से, तो वहाँ चित्रों को अगर एग्जाम में देगा आपके, तो आप बताना किसका नाम, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर जे डी शर्मा। और यदि पूछेगा कि ये जो संघर्ष का सिद्धांत है, मानसिक संघर्ष का उपागम जो है, मानसिक संघर्ष दिया किसने है, तो फील्ड थ्योरी थी एक, आप लोगों ने नाम सुना होगा फील्ड थ्योरी के बारे में। और फील्ड थ्योरी किसकी थी, कोई बताना चाहेगा मुझे? कर्ट लेविंग का। हाँ हाँ, कर्ट लेविंग भी बोला जाता है इसको, और कर्ट लेविंग भी कहा जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, फील्ड थ्योरी इन्हीं के द्वारा दी गई थी। और अच्छा, ध्यान रखिएगा, फील्ड थ्योरी ये आई कब थी, ये थ्योरी इस्टेब्लिश कब की गई? ओके, और भी कोई लोग बताएं जरा। बस 1932 में, शाबाश, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए कोई शायद ज्वाइन हो रहा है नहीं, चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पर देखिए, ये चित्रों के माध्यम से आप तुरंत नाम लगाएंगे डॉक्टर जे डी शर्मा के बारे में। अच्छा देखिए, यहाँ पर जो निगेटिव निगेटिव आ रहा है, पर्यावरण संबंधी जो रुकावटें हैं उसका भग्नाशय, बिंदु व्यक्ति है प्लस उसके लक्ष्य पर खड़ा एक खड़ी रेखा होगी। तो इसके लक्ष्य पर खड़ी रेखा यानी ये रेखा है बन रही है,
और ये जो खड़ी रेखा बन रही है, ये जो खड़ी रेखा बन रही है ये बेसिकली किस चीज़ को बता रहा है, एक लक्ष्य को बता रहा है, ठीक है। और आप यहाँ पे जो आती है रुकावटें देखने को मिलती है, और यहाँ पर इस तरीके से एक प्लस होगा, फिर खड़ी रेखा होगी, फिर यहाँ पर एक डार्क बन जाएगा बिंदु, और फिर इसके डैश, ये परिहार परिहार का बन जाएगा। उपागम उपागम की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये एक उपागम उपागम में एक प्लस कहें से कि आपने एक चीज़ें यहाँ पे क्या कर दिया है, दरअसल आप लोगों ने एक चीज़ों को त्याग दिया है, इस वजह से निगेटिव प्रक्रिया आ गई है, ठीक है। तो एक तरफ निगेटिव रहेगी, एक तरफ जी नहीं 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 ये इन जो वो थ्योरी वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। विन लूज थ्योरी वो अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये उपागम उपागम का सिद्धांत हो जाएगा, और ये बेसिकली क्या होता है आपका, ध्यान रखिएगा कि जो त्यागने वाली प्रक्रिया वो माइनस का हो जाता है, यहाँ पे उपागम परिहार का हो जाएगा एक तरफ, ठीक है, जहाँ पे ऋणात्मक निगेटिव एक्टिविटी देखने को मिल जाती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इस तरीके से बन जाएगा। हालांकि ये अभी तक प्रश्न नहीं आएगा फिगर के साथ, ठीक है, और उसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए एक तीसरा मैंने बताया था डबल डबल करके, याद है किसी को, अभी मैंने बोला था कि डबल अप्रोच अवॉइडेड करके मैंने बोला था आप लोगों से, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। उसी को कभी कभी मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेड कन्फ्लिक्ट के नाम से भी जाना जाता है, मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर समझ लीजिए आप लोग। ये मानसिक संघर्ष के अंदर कई सारे लक्ष्य होते हैं, कम से कम दो धनात्मक लक्ष्य होंगे, दो नकारात्मक लक्ष्य होंगे। व्यक्ति दो या अधिक धनात्मक लक्ष्य की भी वजह से व्यक्ति के अंदर लक्ष्य की ओर जाना चाहता है, और नेगेटिव लक्ष्य की वजह से वह दूर भी जाना चाहता है। उदाहरण के तौर पर समझिए, जरा एग्जांपल आप अच्छे समझेंगे। जैसे मान लीजिए एक लड़की की, जिस लड़के से शादी करनी है उसके अंदर दो खास बातें पसंद है और दो चीज़ें पसंद नहीं है, तो मतलब यहाँ पर यह बना है कि भाई जो चीज़ें लड़की को पसंद है वे उस लड़के से शादी करने के लिए प्रेरित करती है, जो चीज़ें उसे पसंद नहीं है उसे वो रोकती है। तो ये मल्टी अप्रोच अवॉइडेंट कंफ्लिक्ट कहती है, आप इसको डबल अप्रोच अवॉइडेंट कंफ्लिक्ट के नाम से भी जान सकते हो। यही चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप एग्जांपल के तौर पे भी देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरी तरफ शादी होती है, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी आपको। जो आपने लास्ट में बताया था कोई वाला, कोई लास्ट में क्या बताया था आपको, नहीं समझा मैंने लास्ट में क्या बोला। हाँ, उपागम फोर्थ नंबर का बताया थे सर ना, वही है, वही उपागम परिहार, वही है। हाँ, जो अभी मैंने आपको ये चौथे नंबर बताया डबल वाला, वही है। हाँ, इसी को डबल भी कहा जाता है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, डबल भी इसी को कहा जाता है, मल्टी को, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप यहाँ पर समझ गए हैं। अब इसके संघर्ष का निवारण कैसे करेंगे, तो परिवार विद्यालय का वातावरण उत्तम होगा तो जाहिर सी बात है ऐसी मानसिक संघर्ष बनेगा ही नहीं। बालकों को समस्या आने पर निर्णय लेने के लिए उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उन्हें उचित परामर्श निर्देशन और समायोजन का प्रशिक्षण देना चाहिए, है कि नहीं। और अगर हम बात करते हैं, बस ये चीज़ें हैं, आप इस यहाँ से उसको समाप्त करने की बात कर सकते हैं उसका, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली जो टॉपिक था आप लोगों का मानसिक संघर्ष का एक प्रकार था, जहाँ पे मैंने टाइप ऑफ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात किया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार यूजीसी में इससे प्रश्न पूछा गया था, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो रुक जाइए, टॉप